A very good evening to all of you. I hope so everyone has joined the meeting. All of you are getting the voice. Yes. So, hello sir, good evening sir. Yes, good evening to all of you. अरे इवनिंग क्लास में बच्चे कहाँ गए? सब आराम कर रहे हैं क्या? सब लोग रेस्ट पे चले गए क्या? सो रहे हैं, आवाज लागे छे। ठीक है, तो सुबह हम क्या डिस्कस कर रहे थे? यही कर रहे थे, देखो स्क्रीन पे लिखा ही हुआ है सब। सुबह मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे मॉर्निंग की क्लास में, है ना? हाँ, कन्वर्जन हमने अच्छे से देख लिया था ना। कन्वर्जन करना हमें आ गया था फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल इस पे कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हो जाते हैं जो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम उसको कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सपोज हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज गिवन, विच इज 25 ओम। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है विच इज 25 ओम, और गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मतलब मैक्सिमम रीडिंग जो गैल्वेनोमीटर की है, ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है, ये ज़ीरो है। मैक्सिमम रीडिंग जो गैल्वेनोमीटर की है वो दे रखी है 500 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में रीडिंग है एंड मैक्सिमम रीडिंग इज 500 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप इस गैल्वेनोमीटर को, अब हमें इस गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है, और ऐसे कन्वर्ट करना है कि हमें जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो हम 10 एम्पियर मेजर कर सकें। वी हैव टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर विच कैन मेजर द वैल्यू ऑफ करंट अप टू 10 एम्पियर। ठीक है, हमें इस गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना। ज़रा मुझे बताओ कि इसको एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैंने गैल्वेनोमीटर दे दिया है, उसका फुल स्केल रीडिंग भी आपको बता दिया है, उसका रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया है। अब आप मुझे इसको एम मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ जिसका मैक्सिमम रीडिंग है 10 एम्पियर के बराबर। कैसे करोगे आप? समझ आया क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन सबको समझ आया किस तरह का क्वेश्चन है? यस, एक बार खुद से ट्राई करके देखो जरा क्या आपसे सॉल्व होता है ये। हाँ, रेजिस्टेंस लगा के करेंगे, वेरी गुड, वो बात तो बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया था कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एममीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत छोटी करंट को मेजर करता है ना, बहुत ही छोटी करंट को मेजर करता है। याद करो हम जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे तो वहाँ पे हम बैलेंसिंग के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते थे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जब आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ पे हम बैलेंसिंग के लिए इस गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते थे। तो गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि
उस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इतना छोटा करंट अगर ये मेजर करता है तो इससे हमें यही पता चलता है कि उस ब्रांच में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एम मीटर में। एम मीटर ऐसा डिवाइस है जो बहुत बड़ी वैल्यू करंट की मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें इससे मेजर करवाना है 10 एम्पियर। कितना मेजर कराना है? 10 एम्पियर मेजर करवाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें हम मैक्सिमम करंट कितना भेज सकते हैं? 500 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि ये डिवाइस इतनी करंट को लिए ही डिज़ाइन है। ये जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, ये इसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि ये इसी को मैक्सिमम करंट इतना ही ले सकता है, इससे ज़्यादा ये करंट नहीं ले सकता। तो हमने एक अरेंजमेंट किया, स्पेशल अरेंजमेंट, और जो बाकी बचा हुआ करंट है वो यहाँ से हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, बचा हुआ करंट जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, हमने एक अलग से लाइन पास करी, और इस लाइन में अब कितना रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, इस लाइन में कितना रेजिस्टेंस मुझे लगाना चाहिए कि ये जो है आपका एम मीटर में कन्वर्ट हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, तो अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये तो 500 माइक्रो एम्पियर पे, 500 माइक्रो एम्पियर पे ही फुल डिफ्लेक्शन शो करता है ना, मतलब उसका कांटा जो है पूरा इधर आ जाता है 500 माइक्रो एम्पियर पे। ठीक है, तो हमने इसको जितना करंट देना था वो दे दिया। अब जो रिमेनिंग करंट है, विच इज़ 10 माइनस 500 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर माइनस 500 माइक्रो एम्पियर, ये वाला करंट हमने इस ब्रांच से पास करवा दिया, इस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को हम बोलते थे शंट रेजिस्टेंस, मैंने आपको सुबह मॉर्निंग क्लास में बताया था। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, टोटल करंट यहाँ पे वापस ऐड हो जाएगी और फाइनली आपका जो आउटपुट आएगा वापस 10 एम्पियर ही आएगा, है ना? बात समझ आई आपको? इस तरह से मैंने इसको एम मीटर में कन्वर्ट किया। तो मुझे फाइंड करना है कि मैं यहाँ पे कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई करूँगा, मतलब शंट रेजिस्टेंस कितना लगाऊंगा कि मेरा ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एम मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस शंट की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली वे में ऐसा ही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस शंट रेजिस्टेंस। क्या आप मुझे निकाल के बता सकते हो इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए आपका गैल्वेनोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, हाँ, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस शंट? हाँ, सब लोग निकालेंगे, खुद से निकालो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पल्लव ने आंसर निकाल दिया, 500 इंटू 25 अपॉन 10 माइनस 500 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कितना आ रहा है? मितेश का आ रहा है 1.25 मिली ओम। हाँ बिल्कुल सही बात है, इन दोनों के आंसर सही है, ललित का भी सही है, मितेश का भी सही है। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट इज़ 1.25 मिली ओम। ठीक है, 1.25 मिली ओम, मतलब बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस आ गया, है ना? ठीक है, बहुत छोटा मतलब हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड था यहाँ पे, हमने जितना रिक्वायर्ड था उतना रेजिस्टेंस हमने दे दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब हम यहाँ पे ये शंट रेजिस्टेंस इस वैल्यू का लगाएंगे तो अब हमारा जो ये डिवाइस है इसको हमने क्या किया, ऐसे करके पैक कर दिया, एक बॉक्स बॉक्स में पैक कर दिया। ठीक है, तो अब आपको जो दिखाई देगा, और यहाँ पे मैंने लेबलिंग भी इसकी चेंज कर दी, है ना? ये माइक्रो एम्पियर हटा के मैंने इसको एम्पियर कर दिया, और ये 500 माइक्रो एम्पियर की जगह मैंने इसको लेबल चेंज करके क्या कर दिया, 10 एम्पियर कर दिया। तो अब जैसे ही मैं 10 एम्पियर का करंट पास करूँगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो इधर 10 की तरफ पॉइंट आउट करेगा।
ठीक है, जब मैं 5 एम्पियर करंट यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो इसका डिफ्लेक्शन 5 की तरफ पॉइंट आउट करेगा। इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, एम मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ आई? तो सारा का सारा खेल आपका शंट का है, मतलब क्या शंट की वैल्यू आप दोगे जिससे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, अब आपके लिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आपको गैल्वेनोमीटर दिया है, जैसे पहले दिया था वैसे अभी भी दिया है, जिसका रेजिस्टेंस भी सेम है, विच इज़ 25 ओम, और इसकी जो फुल स्केल रीडिंग है, इसकी जो फुल स्केल रीडिंग है दैट इज़ योर अगेन 500 माइक्रो एम्पियर। लेकिन अब की बार मुझे इसको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? आई हैव टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर विच कैन मेजर अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सके वो? 10 वोल्ट के बराबर। तो मुझे निकाल के बताओ कि ऐसा मेरे को क्या करना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर के साथ, ऐसा मैं क्या करूँगा कि मेरे को ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 वोल्ट तक की वैल्यू को मेजर कर पाएगा। ठीक है, ऐसा मुझे इसके साथ क्या छेड़ाखानी करनी पड़ेगी, इसके साथ क्या ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 वोल्ट तक मेजर कर पाएगा। ठीक है, चलो बताओ मेरे को क्या करोगे। सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाओगे, बिल्कुल सही बात है। सीरीज़ में यू विल पुट 1 रेजिस्टेंस, है ना? तो सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दो और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा के उसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टर आप अप्लाई करोगे कि आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस किसी का आंसर आया? एनीवन हैज ट्राइड दिस? सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के देखो ये रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी। सीरीज में कितना रेजिस्टेंस हम लगाएंगे कि आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपर रीडिंग देगा 10 वोल्ट की। ठीक है,
तो इसका वोल्टेज फाइंड करो कितना होगा, गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज कितना होगा, पहले तो ये फाइंड करो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आपका जो वोल्टेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 25, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। लेकिन ये तो बहुत छोटा सा पोटेंशियल है, आपको इस पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करना है, 10 वोल्ट तक इंक्रीज करना। तो 10 वोल्ट तक इंक्रीज करने के लिए ये मैंने एक एडिशनल रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई किया, जिसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 10 माइनस ये जो वैल्यू, इतना पोटेंशियल आपका यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए, 10 माइनस 500 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 25, इतना पोटेंशियल आपका यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए। बात समझ आई? ठीक है, तो इसको जब आप करंट से डिवाइड करोगे तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से। तो इतना रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कि आपका ये डिवाइस वो प्रॉपरली वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 10 वोल्ट तक मेजर कर पाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ ना, ये वाली चीज़ को छिपा देता हूँ, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं पैकअप कर देता हूँ, तो सामने वाले को अंदर की बात पता नहीं चलेगी, खाली बाहर से उसको दिखाई देगा कि जब मैंने 10 वोल्ट का पोटेंशियल देखा। और मैं पॉइंटर भी यहाँ पे चेंज कर दूंगा, इसकी लेबलिंग भी चेंज कर दूंगा, इसको पोटेंशियोमीटर मतलब क्या वोल्ट मीटर बना दूंगा, और यहाँ पे इसकी लेबलिंग में 10 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टिकर चिपका दूंगा 10 वोल्ट, जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो ये 10 वोल्ट मेजर कर देगा। बात समझ आई? तो ये जब रेजिस्टेंस मैं लगा दूंगा ना, तब ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी आपका रेजिस्टेंस आएगा तो यहाँ से आपका वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाएँ तो बिल्कुल भी गलती से भी छोड़ के मत आना, क्योंकि ज़रूर क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी रहती है गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों पे क्वेश्चंस की खूब पॉसिबिलिटी रहती है। अब सपोज करो मैं मार्केट में गया और मैं मार्केट से एक सस्ता वाला वोल्ट मीटर लेके आ गया। मार्केट में गया, हमें सस्ती चीज़ ज़्यादा पसंद आती है ना, कम पैसा लगे, जहाँ पे कम पैसा लगे वो हमारा दिमाग पहले चलता है वहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या किया, एक सस्ता सा वोल्ट मीटर खरीद लिया दुकान से। अब वो वोल्ट मीटर खरीदा जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 500 ओम के बराबर, ठीक है। एक वोल्ट मीटर मैंने परचेज कर लिया, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम के बराबर, ठीक है। और इसको मैंने यूज़ किया एक सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए। मेरे पास एक सेल है और इसका मुझे ईएमएफ मेजर करना है, तो ईएमएफ कितना होगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे इस सेल का दिया हुआ है 4 ओम के बराबर, ठीक है। और मैं सस्ता वाला मार्केट में गया, सस्ता वाला वोल्ट मीटर खरीद लिया, जो 500 ओम जिसका रेजिस्टेंस खुद का था, खुद का रेजिस्टेंस इसका 500 ओम है, और जबकि मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का दिया हुआ है वो 4 ओम के बराबर, इतना छोटा सा दिया हुआ है ना। और इसका मुझे ईएमएफ मेजर करना है ना। तो ईएमएफ अगर मुझे मेजर करना है तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा वोल्ट मीटर की रीडिंग में, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर वोल्ट मीटर की रीडिंग में, परसेंटेज एरर कितना होगा। ऑब्वियसली बात है, जब मैं ऐसा वोल्ट मीटर यूज करूंगा जिसका खुद का रेजिस्टेंस ही 500 ओम है तो रीडिंग में एरर तो आएगी आएगी, इस बात को आप समझ पा रहे हो। सस्ता वोल्ट मीटर ला के आप इस बैटरी का ईएमएफ निकालना चाहते हो जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ही सिर्फ 4 ओम है, और आप ये 500 ओम वाला रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है रीडिंग में एरर तो आनी आनी,
है ना, रीडिंग में एरर तो आनी आनी। तो वही पूछा गया है कि कितना परसेंटेज एरर आएगा जब मैं इस वोल्ट मीटर को इस सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज़ करूँ। ठीक है, बात समझ आई सबको? क्वेश्चन सबको समझ आ गया क्या पूछा गया? करंट दिया है सर? नहीं, करंट नहीं दिया हुआ, करंट की कोई वैल्यू नहीं दी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ आया। अच्छा, फिर से बताता हूँ। देखो, हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सेल के अक्रॉस ये वोल्ट मीटर को लगा दिया, सेल के अक्रॉस इस वोल्ट मीटर को लगा दिया। वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 500 ओम। वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 500 ओम, और सेल का रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम। ठीक है, और ये ईएमएफ इसका है ई। तो मुझे फाइंड करना है कि इसकी वजह से जो आपका परसेंटेज एरर क्रिएट होगा वोल्ट मीटर की रीडिंग में, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इस वोल्ट मीटर की रीडिंग में कितना होगा। ठीक है, बात समझ आई सबको? अब क्वेश्चन समझ आया क्या पूछा गया? अब हम सबको पता है कि असली में जो बैटरी का ईएमएफ है वो ई के बराबर है। असली में बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई के बराबर है। लेकिन जब मैं वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट करूँगा तो वोल्ट मीटर क्या शो करेगा? वोल्ट मीटर ये शो करेगा, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो ये आएगी। वोल्ट मीटर में करंट कितना होगा? वोल्ट मीटर का करंट, करंट की जो आप बात कर रहे हो, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, करंट कितना हो जाएगा? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, विच इज 504 ओम। ठीक है, अब अगर मैं वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो कितना हो जाएगा? वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई कैन राइट लाइक दिस, ई अपॉन 504 इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना है इसका? रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वोल्ट मीटर का? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 500। ठीक है, तो करंट इतना पास होगा और वोल्ट मीटर ये रीडिंग शो करेगा, जबकि असल में हमें पता है कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई के बराबर है। इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई के बराबर है, लेकिन वोल्ट मीटर ने कितना शो किया? वोल्ट मीटर ने ये शो किया, लेकिन असली में क्या है इसका ईएमएफ? ई के बराबर है। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर हमें पता है, परसेंटेज एरर मतलब आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग आपकी ये होनी चाहिए, और जो शोन रीडिंग है वोल्ट मीटर पे वो कितनी है? ई अपॉन 504 इंटू 500। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना। परसेंटेज एरर मतलब आपका जो पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इतना डिफरेंस आपका क्रिएट होगा। ठीक है, इतना डिफरेंस आपका क्रिएट होगा। बात समझ आ रही है? तो परसेंटेज एरर आप यहाँ से निकाल लोगे। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया आपको, क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ, तो परसेंटेज एरर इसलिए हमने निकाला यहाँ पे क्योंकि हमने सस्ता वाला वोल्ट मीटर ले लिया ना। अगर मैं जितना अच्छा वाला वोल्ट मीटर लेता, मतलब वोल्ट मीटर ऐसा लेता कि उसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो इसके रेजिस्टेंस से अगर कम होता, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे 4 ओम है, तो मैं अच्छा वाला थोड़ा कॉस्टली रेजिस्टर यहाँ पे लगा लेता, कॉस्टली वाला वोल्ट मीटर लगाता जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता, मतलब 4 ओम से कम होता, तो एरर आपकी बहुत मिनिमाइज हो सकती है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी एरर के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है,
इस तरह का एक और सवाल आया था एग्ज़ाम में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, जो जो क्वेश्चंस इसके रिलेटेड पोटेंशियोमीटर सॉरी वोल्ट मीटर और एम मीटर के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज़ करो अब मैं एक एम मीटर लेके आया, जैसे मैं ऊपर वोल्ट मीटर लाया था वैसा ही मैं एक एम मीटर लेके आया मार्केट से, ठीक है, और उस एम मीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है, उस एम मीटर का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ठीक है, और मैंने इस एम मीटर को वापस एक सेल के थ्रू कनेक्ट किया जिसका खुद का ईएमएफ आपको ई दिया हो, ठीक है, और इसका ईएमएफ इस बार गिवन है विच इज़ 1.5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है विच इज़ 2 ओम, ठीक है, बात समझ आई। और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, ठीक है, तो आपको कहने का मतलब है एक सेल दिया है उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इस सेल का जो रेजिस्टेंस है, सेल का रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, और फिर हमने इसके अक्रॉस एम मीटर भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसके अक्रॉस हमने एक एम मीटर भी कनेक्ट कर दिया जिसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस है, एम मीटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एम मीटर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एम मीटर, क्वेश्चन सबको समझ आया। ठीक है, हाँ तो सब लोग ट्राई करो फटाफट और जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें एम मीटर में परसेंटेज एरर कितना होगा, इस एम मीटर में आपका जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा, यस किसी का आंसर आया, जीरो पॉइंट 0.72%।
इतना कम कैसे आ रहा है भाई? देखो एक्चुअल करंट कितना होता सर्किट में, एक्चुअल करंट मान लो अगर मैं एम मीटर नहीं लगाता, अगर मैं एम मीटर नहीं कनेक्ट करता, तो इस सर्किट में आपका जो एक्चुअल करंट होता वो कितना होता? एक्चुअल करंट होता आपका 1.5 अपॉन 2+8, 2+8 बी अपॉन आर, तो ये हो जाता आपका 1.5 अपॉन 10, है ना? तो 0.15 एम्पियर, ये आपका एक्चुअल करंट होता अगर जब आप एम मीटर नहीं लगाते तब आपका इतना करंट फ्लो करता। अब जैसे ही आपने एम मीटर लगा दिया तो आपकी करंट की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। करंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1.5 अपॉन 2+8 प्लस इसका भी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा विच इज 0.5 ओम। तो ऑब्वियसली एरर तो आएगा ही आएगा, एक्चुअल रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर रीडिंग शोन इन द एम मीटर, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.5 अपॉन 10+0.5, मतलब 10.5, ठीक है? इतना एम्पियर आपका शो करेगा, ठीक है? तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? देखो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर क्या होता है आपका? परसेंटेज एरर होता है आई माइनस आई डैश अपॉन आई डैश इंटू 100। कितना रीडिंग यहाँ पे शो किया? डिनोमिनेटर का ध्यान रखो, डिनोमिनेटर में वो पार्ट लोगे जो आपका शो किया हुआ है, ठीक है? दिस इज द एक्चुअल माइनस शोन ऑन एम मीटर अपॉन रीडिंग शोन ऑन एम मीटर, ये आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा करंट, ठीक है? हमेशा ध्यान रखो जब भी आपको परसेंटेज एरर पूछा हो तो आप डिनोमिनेटर में वो पार्ट लोगे जो आपका कोई भी डिवाइस शो कर रहा है। जैसे एम मीटर लगाया तो एम मीटर क्या शो कर रहा है, वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है? हमेशा डिनोमिनेटर में वही पार्ट कंसिडर करोगे जो आपकी रीडिंग शो हो रही है। हमें तो वही दिखेगा ना जो एम मीटर शो करेगा, एक्चुअल वाला हमें थोड़ी दिखाई देगा। तो हमारा जो परसेंटेज एरर होगा वो किसके कंपैरिजन में होगा? वो जो हमें दिखाई देगा उसके कंपैरिजन में होगा, है ना? जो हमें दिखाई देगा रीडिंग में, एम मीटर में जो हमें दिखाएगा उसके ही कंपैरिजन में हम एरर निकालेंगे ना, उसके ही कंपैरिजन में हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। सिमिलरली वोल्ट मीटर के साथ भी ऐसा ही है, ऊपर जो वोल्ट मीटर के साथ हमने निकाला था तो वोल्ट मीटर के साथ भी सेम प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ पे आपने एक्चुअल, दिस इज योर एक्चुअल माइनस ये जो आपका शोन रीडिंग है वोल्ट मीटर पे अपॉन शोन रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर विच इज ई इंटू 500 अपॉन 504 इंटू 100, दिस विल बी योर परसेंटेज एरर, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? हाँ, डिनोमिनेटर नहीं लिखा होगा इसलिए आंसर में चेंज आया होगा, डिनोमिनेटर लिखोगे तो आंसर परफेक्ट आ जाएगा। अब बताओ कितना आ रहा है, अब निकाल के देखो कितना आंसर आ रहा है। फाइव परसेंट आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, 5% इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, जब आप ये सॉल्व करोगे यू विल गेट द परसेंटेज एरर एज 5%। जनरली हमारा जो रेंज होता है परसेंटेज एरर का, इसके बीच में ही आना चाहिए, 0 से लेके 5% तक, ठीक है? 5% से अगर एरर आपका ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, उस मतलब वो रिजल्ट्स को बैड रिजल्ट्स कहा जाता है, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट फिर से करने की ज़रूरत है, आपको अपने जो डिवाइसेज है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। 0 से लेके 5% तक का जो एरर होता है दैट इज़ टॉलरेबल, मतलब
उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, 5% तक के एरर को टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन 5% से ज़्यादा अगर आपका एरर आ रहा है तो मतलब या तो रीडिंग में कुछ मिस्टेक्स है या फिर आपके डिवाइस में कुछ कमी है, आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो जब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो बच्चों को ये बताया जाता है कि भैया 5% से अगर एरर आपका ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपका एक्सपेरिमेंट में कुछ कमी है, आपने कुछ फॉल्ट ज़रूर किया है, या तो डिवाइस के साथ कुछ फॉल्ट हुआ है या तो आपकी रीडिंग लेने में कोई मिस्टेक हुई है। 5% तक का एरर आपका टॉलरेबल होता है, उससे ज़्यादा एरर को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 5% भी एरर ना आए, लेकिन फिर भी वहाँ तक हमें लिमिट दी गई है कि इतना अगर एरर आता है तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब आपकी कैलकुलेशन हम मान लेते हैं सही है, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तो ये मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए एम मीटर और वोल्ट मीटर के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने वही वाले प्रीवियस कंसेप्ट पे जो मैं आपको कल बता रहा था, कल की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे। एक तो मैंने आपको टॉर्क का कंसेप्ट बता दिया था, टॉर्क निकालना अब मेरे ख्याल से सबको आ गया, है ना, एन आई ए बी साइन फाई, ठीक है, टॉर्क निकालना सबको आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कल वर्कडन भी निकालना सिखाया था, वर्कडन का इक्वेशन क्या होता है बताओ, माइनस आई टाइम्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कल हम इन दो इक्वेशंस पे बात कर रहे थे, कल का जो हमारा इवनिंग क्लास था हमने यही दो टॉपिक को डिस्कस किया था बड़े अच्छे से, हम इसको ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट और वो पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर में कोई दिक्कत, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे ना, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हमारे मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ, हमने क्या किया यहाँ पे एक कॉइल को कनेक्ट कर दिया इस तरह से, इस तरह से हमने एक यहाँ पे कॉइल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये कॉइल जो है आपकी ये वायर पे लगी हुई है, जिस वायर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और इस वायर को हमने यहाँ पे ऐसे टाई कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, दिस डिस्टेंस इज गिवन, दिस डिस्टेंस इज योर एल वन, और यहाँ से एल टू डिस्टेंस पे, यहाँ से एल टू डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक बीम बैलेंस लगा दिया, एल टू डिस्टेंस पे हमने एक बीम बैलेंस लगा दिया, एक बैलेंसिंग मशीन लगा दिया, ठीक है। बीम बैलेंस में यहाँ पे हमने कुछ वेट रखा हुआ है, इसका कुछ मास है एम, जो हमने बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सच दैट ये आपकी बीम जो है ये ना तो नीचे जाए, इसमें जो मास रखा है ये ना ज़्यादा नीचे की तरफ जाए ना ज़्यादा ऊपर की तरफ जाए, ये एज इट इज़ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे, ठीक है। ये जो आपकी बीम है जिसमें कुछ मास रखा गया है ये ना तो नीचे की तरफ जाए ना ऊपर की तरफ जाए, आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे। ऐसा रखने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सच दैट ये जो आपका बीम है जो कि L2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सस्पेंशन पॉइंट, ये पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस आपको L2 दे रखा है और इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं O ले लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, बात समझ गए। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि आपका जो बीम है ये ऐसा ही हॉरिजॉन्टल रहे, ना ये नीचे जाए ना ये ऊपर जाए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, यस। अब इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको गिवन है, इस कॉइल में सपोज करो n नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, ठीक
ठीक है, इस कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन आपको ऐसे दिया हुआ, करंट का डायरेक्शन भी आपको दिया हुआ। ठीक है, अब हम सबको बताइए, बार मैग्नेट यहाँ पे रखा है, तो इस बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम सबको बताया इस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर होगा वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि करंट आपका ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर निकाल के देखो किधर आ रहा है, इधर ही आएगा, चेक करके देखो, राइट हैंड रूल लगा के देखो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, सबको पता, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन चेक करो किधर आएगा, राइट हैंड रूल लगा के देखो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, देखो थंब कहाँ पे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, देखो आपका थंब कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर भी आपको मिल गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको मिल गई। अब हम सबको बताएं कि इसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर आपका इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इधर है, हम सबको बताएं इन दोनों वेक्टर्स की वजह से क्या जनरेट होगा, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, आपको पढ़ाया गया कितनी बार, जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो टॉर्क पैदा होता है वो कितना होता है, एम क्रॉस बी, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक एम बी साइन थीटा, और यहाँ पे एंगल देखोगे तो कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री, तो आई कैन राइट एम बी साइन 90। ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा आपका इस सेंस में प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसका जो सेंस होगा जब आप एम क्रॉस बी करोगे तो आपका जो सेंस आएगा इस तरीके का आएगा, जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस सेंस में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस सेंस में आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अब अगर मुझे इसके टॉर्क को बैलेंस करना है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे क्लॉकवाइज में एक और टॉर्क देना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज में टॉर्क कौन देगा यहाँ पे, ये एम जी वाला पार्ट, इस पैन में जो मैंने मास भर रखा है इसकी एम जी नीचे की तरफ लगेगी और इसकी वजह से जो टॉर्क पैदा होगा इस पॉइंट पे विच इज एम जी इंटू एल टू, ये टॉर्क इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि अगर इसको हॉरिजॉन्टल रहना है तो ये दोनों टॉर्क आपके बैलेंस होने चाहिए, एम बी साइन 90 मस्ट बी बैलेंस बाय योर एम जी इंटू एल टू, एम जी इंटू एल टू, ठीक है। तो मैंने आपको यही क्वेश्चन में बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी कि आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाए, मतलब दोनों टॉर्क आपके बैलेंस हो जाए। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, एम की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बताओ, एम की वैल्यू लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू बी विच इज इक्वल टू एम जी इंटू एल टू। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी एल टू अपॉन एन आई ए, मतलब इतनी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं दूंगा तो मेरी रॉड जो है, मतलब ये जो वायर है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल रहेगी, दोनों टॉर्क आपके बैलेंस हो जाएंगे, दोनों टॉर्क आपके बैलेंस हो जाएंगे, तब बैलेंस होंगे जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है आपको किस तरह से वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैकेनिक्स थोड़ी कंबाइन कर दी है, एम जी का जो टॉर्क है उसको इससे बैलेंस करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको एम जी वाले टॉर्क ने बैलेंस कर लिया, ठीक है, तो दोनों टॉर्क आपके बैलेंस हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं एग्ज़ाम में, और जब आपको ये मैकेनिक्स थोड़ी बहुत आती है तो आप इससे डील ईजिली कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ बढ़िया सा,
ये सबको समझ आ गया ये वाला पार्ट? ये क्लियर हो गया सबको अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। अब सपोज करो हमारे पास इस तरह की कॉइल दी हुई है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है? तीन एक्सिस हमको दे रहे। अब यहाँ पे एक कॉइल हमको दिया हुआ है, इसमें करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉइल दिया हुआ है इस तरीके से, इसमें भी करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें भी करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि इस अरेंजमेंट की वजह से एंगल आपको दिए हुए हैं, दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45। तो हमें फाइंड करना है इस अरेंजमेंट की वजह से आपका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ द कॉइल? हमने कॉइल को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ पे आपका एक्स वाई प्लेन में स्क्वायर दे रखा है, वाई जेड प्लेन में आपको सेमी सर्कल दे रखा है और जेड एक्स प्लेन में आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है? इस सेमी सर्कल का रेडियस आपको आर दिया हुआ है, सपोज करो सेमी भी नहीं है तो क्वार्टर सर्कल है ना? तो एक्स वाई प्लेन में आपका स्क्वायर है, वाई जेड प्लेन में आपका क्वार्टर सर्कल है और जेड एक्स प्लेन में आपका एक ट्राइंगल है। तो इस अरेंजमेंट की वजह से हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कितना होगा। सबको क्वेश्चन समझ आ गया? चलो ट्राई करो एक बार खुद से, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट हम सबको पता है अब क्या होता है, विच इज करंट इनटू एरिया। हम सबको पता है मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज दैट ओनली विच इज द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ कितना आएगा। इसकी साइड भी आपको आर है ना, ये जो स्क्वायर की साइड है ये रेडियस के बराबर ही है। मतलब ये जो रेडियस आपका दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्क्वायर की साइड भी आपकी आर के बराबर ही है, ठीक है? ये वाली साइड भी आपकी आर हो जाएगी, ये साइड भी आपकी आर है। अब स्क्वायर है तो सारी साइड सेम ही होगी और ये वाली साइड भी आपकी रेडियस के बराबर ही होगी। इस तरह का अरेंजमेंट आपको दे रखा है और बोला गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है? कंसेप्ट सबको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज करंट इनटू एरिया वेक्टर। लेकिन अब ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई वाले देखो इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन, कंसेप्ट सेम। किसी ने ट्राई किया क्या?
ललित ने निकाला है पाई आर स्क्वायर के प्लस पाई आर स्क्वायर आई प्लस 1/2 j। अच्छा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया इसने, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया कि आई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। मितेश ने निकाला है आई आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5/4 प्लस पाई स्क्वायर। क्या तगड़े तगड़े आंसर निकाल रहे हो, मजा आ गया। कुछ कुछ आंसर सही लग रहा है, कुछ कुछ आंसर रॉन्ग लग रहा है, पता नहीं सही है कि गलत, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट निकाल के देखते हैं। चलो और किसी ने ट्राई किया है, और किसी ने निकाला आंसर? देखो इधर इस अरेंजमेंट को मैं इस तरह से बना सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो इस अरेंजमेंट को मैं इस तरह से बना सकता हूँ। मतलब ये आपको स्क्वायर दिया है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया इस तरीके से, और इसमें करंट आपकी आई जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया, यहाँ पे मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया, और इसमें भी करंट हमारी कितनी जा रही है, आई जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दी, और इसमें भी करंट मेरी कितनी जा रही है, आई जा रही है। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट को जब ज्वाइन करूँगा तो ध्यान से देखो ये वाली जो करंट है वो इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली जो करंट है वो इसको कैंसिल कर देगी, और ये वाली जो करंट है वो इसको कैंसिल कर देगी, है ना। मतलब मेरे को तीन डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स मिल गए एक्स वाई जेड प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे मुझे स्क्वायर मिल गया, वाई जेड प्लेन पे मुझे क्वार्टर सर्कल मिल गया, और जेड एक्स प्लेन पे मुझे एक ट्राइंगल मिल गया। और जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपको यही अरेंजमेंट मिलेगा, मतलब इंटरनल करंट्स आपकी कैंसिल हो जाएगी तो ये सिर्फ एक्सटर्नल करंट आपकी बचेगी। इंटरनल वाली ये वाली देखो कैंसिल हो रही है, इसकी करंट को ये कैंसिल कर देगा, इसकी करंट को ये कैंसिल कर देगा, और इसकी करंट को ये कैंसिल कर देगा। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास तीन डिफरेंट ज्योमेट्रीज हो जाएंगी। अब हमें तीन डिफरेंट ज्योमेट्रीज का सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कितना होगा। तो पहला आपका स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, करंट इनटू एरिया, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा बताओ, इस स्क्वायर की वजह से डायरेक्शन आपका क्या होगा बताओ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, स्क्वायर की वजह से आउट ऑफ द प्लेन, वेरी गुड। स्क्वायर की वजह से जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा आउट ऑफ द प्लेन मतलब के कैप, अगर एक्स वाई प्लेन में आपका स्क्वायर है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा के कैप, ठीक है। चलो अब निकालते हैं क्वार्टर सर्कल की वजह से, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होता है, करंट इनटू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब इस क्वार्टर सर्कल की वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, क्वार्टर सर्कल की वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ जेड एक्सिस में जाएगा बराबर, क्योंकि सॉरी नहीं वाई जेड एक्सिस में है ना आपका, वाई जेड में ही है ये ज्योमेट्री आपकी, वाई जेड में, तो एक्स एक्सिस में जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट का जो एरिया है बेटा, यहाँ से देखो इसके एरिया के परपेंडिकुलर जाएगा ना,
एक्स एक्सिस में आएगा इस क्वार्टर सर्कल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसके एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है ना इसका डायरेक्शन, ठीक है, जेड में नहीं आएगा, एक्स में जाएगा। तो एक्स के लिए आप क्या लिखोगे, आई कैप, ठीक है, प्लस अब कौन बच गया, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आपका लाई कर रहा है ये वाले प्लेन पे, ट्राइंगल लाई कर रहा है आपका जेड एक्स प्लेन पे, ठीक है, ट्राइंगल कहाँ लाई कर रहा है, जेड एक्स प्लेन पे। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा वो ऐसे इसके परपेंडिकुलर जाएगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब वाई एक्सिस में जाएगा। तो आई कैन राइट लाइक दिस, करंट इनटू एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू आर इंटू आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी आर है और इसकी हाइट भी आर है, तो हाफ इंटू आर इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जे कैप। तो नेट आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा, आई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई बाय फोर आई कैप प्लस वन बाय टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको पूछा है तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो कॉमन बाहर ही आ जाएगा, आई आर स्क्वायर आपका बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर का स्क्वायर प्लस वन बाय टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाए। ठीक है, समझ आया सबको कैसे हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, आपको क्लियर हो गया ये? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये दोनों इक्वेशंस का इम्पोर्टेंस पता लग गया। तो यही मेरा मोटो था आपको बताना, एक तो टॉर्क का इक्वेशन आपको ध्यान रखना है विच इज़ एम क्रॉस बी, और ये एम वाला फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी अभी आपने देख ही लिया, विच इज़ करंट इनटू एरिया, ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तब कई कई क्वेश्चंस में आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोल सकता है, कभी आपको टॉर्क निकालने को बोल सकता है, कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोल सकता है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन का मुझे लगता है अब आपको पूरी तरह से यूज़ करना आ गया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।